सुपर किंग्स के कप्तान अपनी टीम को चीयर्स करते हुए, सारे खिलाड़ी अपने फील्डिंग मार्क के ऊपर, और नाइट राइडर्स की तरफ से ओपनिंग में श्रीकांत और वासु। नाइट राइडर्स के कप्तान ने दाव खेला है वासु और श्रीकांत के ऊपर अपनी सलामी बल्लेबाज के रूप में। और पहला ओवर लेके आए हैं राजेश शिंदे, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और पहला ही बॉल वाइड बॉल डाल चुके लेग स्टंप के बाहर, और काफी अच्छी तरह से लेफ्ट किया श्रीकांत ने। अगली बॉल फिर से अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अभी तक पहला बॉल आते हुए, अभी इस बार तीसरी बार पहला बॉल फ्लिक किया ऑफ साइड के अंदर और एक रन चुरा लिया वासु ने अपनी टीम के लिए। अगेन राजेश शिंदे आउटसाइड द लेग स्टंप और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अगली बॉल शायद उनके हाथों में पसीना ज्यादा, और फिर से वाइड बॉल। बहुत अच्छी गेंद, चूक गए श्रीकांत जी पूरी तरह से। इस बार लेग साइड के अंदर फ्लिक करके एक रन चुराते हुए अगली बॉल लेके वासु प्लेट करके एक रन चुरा लिया ऑफ साइड के अंदर। और ये फ्लाइटेड गेंद थी, उसको डायरेक्टली फुल टॉस खेला और एक रन चुराया। इस बीच एक ओवर खत्म होते हुए 10 रन स्कोर, काफी महंगा साबित होते हुए राजेश शिंदे, जो कि अक्सर अच्छी बॉलिंग डालते हैं लेकिन अंडर प्रेशर अपनी टीम के लिए 10 रन देते हुए। अगली ओवर लेके आए हैं मंदार, काफी अनप्रेडिक्टेबल बॉलर है, सुपर किंग्स के लिए काफी अच्छी भूमिका निभाई है उन्होंने अभी तक, और पहला ही बॉल वाइड डाल बैठे कुछ अतिरिक्त करने के प्रयासों में आउटसाइड ऑफ साइड, और ये काफी अच्छी बॉल थी, चूक गए पूरी तरह से श्रीकांत। इस बीच संदीप भोसले अपने बॉलर को कुछ टिप्स देते हुए, देखते हैं कैसी टिप्स है क्या है, वाइड की तो नहीं दी होगी पक्का, बट और शायद यही टिप्स दी थी संदीप भोसले ने, जो पहली नहीं लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर तो उसको पूरी तरह से हासिल करते हुए, और एक आसान सा कैच संदीप भोसले के लिए, श्रीकांत आउट होते हुए और अपनी टीम के लिए पहली विकेट खोते हुए नाइट राइडर्स। अगले बैट्समैन आए हैं प्रकाश वारके, काफी खतरनाक बैट्समैन है, बट उनको बताया गया है आपको स्लो खेलना है, आपको हिटिंग नहीं करनी है। काफी अच्छा शॉट लगा के एक रन प्रकाश वारके जी के द्वारा पहले ही बॉल के ऊपर,
अगली बॉल वासु फेस करेंगे। अगेन एक रन लेने का प्रयास, लेकिन मना किया प्रकाश ने। बहुत अच्छा कॉल प्रकाश जी के द्वारा। इस बीच नो बॉल, उसको ऑफ साइड के अंदर मार के एक रन हासिल किया। नो प्लस वन। और ये रन चुरा लिया जहां पे नहीं होना चाहिए था। संदीप तलवारे जी जो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि बैटिंग क्रीज के ऊपर बॉल देना है या बॉलिंग क्रीज के ऊपर। अगला बॉल फुल टॉस, और ये रन आउट की अपील। अंपायर कंसल्ट करते हुए थर्ड अंपायर से, दोनों ही अंपायर अपने डिसीजन को लेके अभी तक। और अंपायर का इशारा नॉट आउट, बाल बचे वासु। और दो रन भागे और एक नो बॉल। तीन रन काफी महंगा ओवर अब तक साबित होता हुआ मंदार के द्वारा। काफी अच्छी फील्डिंग शिरीष वैद्य के द्वारा शॉर्ट ऑफ के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर हुआ 19 रन। नाइट राइडर्स की अब तक की सबसे बढ़िया शुरुआत, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन दो ओवर के अंदर। और अगला ओवर लेके आ रहे योगेश जो कि अब तक बॉलिंग के अंदर अभी तक काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की तरफ। अपने ओवर लेके पहला बॉल के लिए तैयार, और वहां प्रकाश वारके जी तैयार। काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड की तरफ मार के एक रन लेना चाहते थे, लेकिन थोड़ा मिस हो गए, मिस टाइम हो गया। और एक अच्छा डॉट बॉल ऑफ साइड के अंदर मार के एक रन प्रकाश जी ने चोरा लिया, क्योंकि वो कभी डॉट बॉल ज्यादा नहीं खेलते, उन्हें पसंद नहीं डॉट बॉल खेलना। अगली बॉल वासु ने फ्लिक किया ऑफ साइड के अंदर और एक रन चुरा लिया। नाइट राइडर्स के कप्तान सराहते हुए वासु को, और सराहना होनी भी चाहिए, काफी समझदारी भरी बैटिंग की है उन्होंने अभी तक अपनी टीम के लिए। अगली बॉल के लिए तैयार प्रकाश। ऑफ साइड के अंदर शॉट मार के एक रन चुराया, दूसरा लेना चाहते थे वासु, लेकिन मना किया प्रकाश ने, और एक ही रन के लिए संतुष्ट। फुल टॉस थी, लेकिन ऑन साइड के अंदर एक रन चुरा लिया। इस बीच प्रकाश वारके काफी अच्छी गेंद थी, खींच के मारना चाहते थे फ्रंट फुट के ऊपर, लेकिन कट लग के मिस टाइम हो गया। और पकड़े गए, लपके गए कीपर के द्वारा। इस बीच तीन ओवर की समाप्ति के ऊपर रन संख्या हो गई 23 रन। काफी अच्छी ओवर डालते हुए योगेश, ये पहला ओवर था सुपर किंग का जो काफी अच्छा गया है सुपर किंग्स के लिए, कम से कम रन देते हुए और एक अच्छी विकेट लेते हुए। आक्रामक बैट्समैन
प्रकाश वारके आउट होते हुए। और अगले बैट्समैन आए उनकी जगह पे हर्षद। हर्षद जो कमेंट्री तो बहुत ही धुआंधार करते हैं और लोग वेट करते हैं कि कभी कमेंट्री बॉक्स के अंदर आएंगे, लेकिन देखना होगा कि बैटिंग के अंदर जाके कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। टीम को काफी उम्मीदें हर्षद के ऊपर और वो काफी कॉन्फिडेंट। अगले ओवर लेके आए संदीप तलवारे, पहले ही बॉल के ऊपर ऑफसाइड के अंदर कट करके एक रन चुराया वासु ने और स्कोर पहुंचा 24 के ऊपर। अगली बॉल संदीप के द्वारा, काफी अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, बैट्समैन चाहते थे वाइड मिले लेकिन अंपायर सहमत नहीं उनके साथ। लेकिन इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सहमत अंपायर और लेग स्टंप के बाहर बॉल थी उसको वाइड करार देते हुए। लेग साइड के अंदर हर्षद ने फ्लिक करके एक रन ले लिया और बता दिया अपने कप्तान को कि वो अच्छी तरह से परफॉर्म करके ही रहेंगे। नेक्स्ट बॉल संदीप तलवारे के द्वारा अगेन लेग स्टंप के बाहर डालते हुए और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। इस बार ऑफ साइड के अंदर अच्छा शॉट लगा के एक रन ले लिया वासु ने, जो पहले ही मैच से काफी समझदारी भरी बैटिंग करते हुए कोई आक्रामक शॉट मारने के अभी तक प्रयास नहीं उनके द्वारा। और काफी अच्छा शॉट था लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग रनिंग बिटवीन द विकेट और विकेट गवा बैठे हर्षद, जो भागे नहीं शुरू में लेकिन वासु पूरा रन भाग चुके थे तब तक। और एक विकेट गिरते हुए नाइट राइडर्स के लिए और अब आए हैं नाइट राइडर्स के कप्तान कार्तिक जी। फिर से एक चांस बन रहा था कैच का बट मिस कर बैठे मंदार। और चार ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर हुआ 28 रन, चार ओवर 28 रन। और इस बीच अगले ओवर लेके आ रहे हैं शिरीष वैद्य। शिरीष वैद्य अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग का नजारा प्रदर्शित कर चुके हैं। कार्तिक शाह स्ट्राइक के ऊपर और बॉलिंग मार्क के ऊपर शिरीष लाइटेड गेंद और रनआउट का चांस, अपील एक जोरदार बट न करते हुए अंपायर फिर भी डॉट बॉल से नहीं रोक पाए। काफी अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। नेक्स्ट बॉल अच्छा कैच का प्रयास था बट चूक गए संदीप और इस बीच एक रन लेने का मौका कार्तिक शाह को। नेक्स्ट बॉल फेस करेंगे वासु और ग्रिल को रखते हुए ऑटोमेटिक कीपर के पास जाते हुए कार्तिक शाह रन आउट होके पवेलियन में वापस आते हुए। और फ्लिक किया लेग साइड के अंदर लेकिन एज को लग के डायरेक्टली ऊपर से बाहर जाते हुए और अंपायर का इशारा आउट। अगली बॉल के ऊपर, अरे देखी भाई थोड़ा सा
काय असं करतोस टाकणार थोडा. पांच रन की समाप्ति के ऊपर 31 रन स्कोर. लास्ट दो ओवर से काफी किफायती बॉलिंग हो रही है सुपर किंग्स के द्वारा. आखिरी ओवर लेके आए हैं संदीप भोसले और पहला ही बॉल वाइड. इसके साथ स्कोर पहुंचता हुआ 32-32 रन. छह गेंदे अभी तक बाकी है. अगेन नो का इशारा लेकिन दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइकर एंड से और रन आउट होते हुए थे. 30 रन हुआ 33 रन्स. शायद हो सकता है ये आखिरी विकेट हो और अभी भी पांच गेंदे बाकी. नेक्स्ट बॉल संदीप के द्वारा फ्लाइटेड गेंद और इसको टैप करके एक रन लिया वासु ने. इसके साथ ही रन संख्या पहुंची 34. अभी भी चार गेंदे शेष. अगेन फिर से टैप किया है और सेम शॉट एक रन के लिए. ओह कंफ्यूजन रनिंग बिटवीन द विकेट और विशाल कासलीवाल रन आउट होते हुए. चूंकि भागना उन्हें पसंद नहीं है बट उनको रनर दिया नहीं गया था टीम के कप्तान के द्वारा. शायद उनको रनर की जरूरत थी. कोई बात नहीं कासलीवाल जी. और बैट छोड़ के आ गए थे बाहर विशाल कासलीवाल लेकिन उनको फिर से एक मौका देते हुए देखते हैं क्या कारनामा कर पाते हैं अपनी टीम के लिए. दो बॉल से इस इनिंग के. टोटल स्कोर रन संख्या 35 रन दो बॉल शेष और बैटिंग क्रीज के ऊपर. काफी मिस कर गए बैट्समैन. अच्छी बॉल थी. दोनों स्कोरर गलत है, अंपायर गलत है और बिपिन शर्मा जी सही है. अगर ये सही है तो हम भी गलत है. प्रकाश जी बैटिंग टीम में से आके कमेंट्री करना अलाउड नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है. उन्होंने
संदीप जी अगली बॉल और ये इसको खेल दिया है उठा के मैदान से बाहर और लास्ट विकेट गिरते हुए इतनी आर्ग्यूमेंट करने के बाद। नाइट राइडर्स को जीतने के लिए 46 रन 46 रन 45 रन बनाया नाइट राइडर्स ने। सुपर किंग्स इस सीजन के अंदर काफी आक्रामकता से खेलते हुए और 46 रन चेस करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस बीच मैदान के अंदर भावेश लालवानी बैट लेके तैयार। विपिन शर्मा जी को कन्विंस करने के लिए भावेश पूरी तरह से तत्पर कि अगर उन्हें ओपनिंग में भेजा जाए तो अनबीटन वो मैच जीत के देंगे। लेकिन ना सहमत सुपर किंग्स। गलती का सुधार करते हुए यहां कमेंट्री बॉक्स के यहां से सुपर किंग्स को जीतने के लिए 36 रन चाहिए। 36 गेंदों के अंदर 36 रन देखना होगा नाइट राइडर्स क्या बचा पाते हैं, अपना स्कोर क्या डिफेंड कर पाते हैं 35 रन को। इस बीच आर्यमन सामना करते हुए हर्षद का, हर्षद सचेत गेंदबाज और एक रन निकालने में कामयाब और ये नजदीक का मामला हो सकता था। हर्षद भाई जोर लगाए, देखिए हर्षद फिर तैयार एक बार फिर और ये इस बार नजदीक का मामला हो सकता है। ये देखिए एक बार फिर हर्षद पूरी तैयारी के साथ, हर्षद नवीन बंगारा का यहां खेल लिया है एक रन का हिसाब। संदीप तैयार, हर्षद भी तैयार और एक रन कासलीवाल ने फील्ड कर लिया है। आर्यमन सूझबूझ के साथ खेल रहा है। अगली गेंद और ये खेल दिया चार रन के लिए, छह रन मिलेंगे यहां पर। क्या है, छह चार अंपायर, मेरे ख्याल से सिक्स है, ये सिक्स है, शायद सिक्स है, ये फ्लैट सिक्स, फोर है, फोर है, फोर है, और ये चार रन क्या दिया अंपायर ने, चार रन, चार रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ, एक ओवर आठ रन। अगले गेंदबाज श्रीकांत जी, पहली गेंद खेल लिया है खूबसूरती से,
और श्रीकांत जी फिर अपने पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ निकालते हुए यहाँ पर। आर्यमन तैयार, एक रन, डेलिकेट कट। सिंगल सिंगल निकालते हुए बिना किसी नुकसान के खेल रहे हैं सुपर किंग। और ये वाइड बॉल, एक रन मिलेंगे अतिरिक्त। और ये एक और रन का इजाफा। विशाल कासलीवाल की काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए एक रन लेते हुए। दोनों ही बैट्समैन काफी सुंदर बैटिंग का नजारा पेश करते हुए। एक दो ओवर के बाद स्कोर हो गया 17 रन। अगर कंपैरिजन किया जाए तो नाइट राइडर्स के दो ओवर के अंदर 19 रन थे, लेकिन सुपर किंग्स अब तक 17 के ऊपर। देखना होगा क्या होता है आगे। और इस बीच नाइट राइडर्स के कप्तान कार्तिक बॉलिंग मार पर आते हुए। ये गेंद काफी स्लो फेंका, अच्छा कैच हो सकता था लेकिन मिस कर गए। और ये रनआउट का भी मौका था, गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए कप्तान, और मुकम्मल करते हुए 2 रन अपनी टीम के लिए। आर्यमान ने इसको टैप कर दिया है और 1 रन लिया अपनी टीम के लिए। यहां कमेंट्री बॉक्स के अंदर भावेश लालवानी काफी गुस्से में लाल। और ये काफी अच्छा शॉट था, डायरेक्ट अंपायर को लगते लगके 1 ही रन। बैटिंग क्रीज के अंदर संदीप भोसले, अगली बॉल लेके तैयार कार्तिक। काफी फ्लाइटेड गेंद थी लेकिन लेग साइड के बाहर, फाइट करार देते हुए अंपायर। अगली बॉल फिर से फ्लाइटेड गेंद, इस बार फ्लिक किया ऑफ साइड के अंदर, लेकिन तैयार थे फील्डर और डॉट बॉल आते हुए। अगेन फ्लाइटेड बॉल और लेग साइड के अंदर फ्लिक करके 1 रन चुरा लिया संदीप ने। स्ट्राइक पर आर्यमान, नेक्स्ट बॉल अगेन फ्लाइटेड बॉल और फिर से हाथों में मार बैठे, लेकिन तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 23 रन। और अब लगता है कि नाइट राइडर्स को चेस प्रॉपरली उतने ही बॉलों में उतने ही रन बनाए हैं, सिर्फ इनका विकेट नहीं गिरा है सुपर किंग्स का। और 23 रन के ऊपर नाइट राइडर्स के कुछ विकेट्स गिर चुके थे। इस बीच टॉस होते हुए नेक्स्ट मैच का, बुल्स वर्सेस स्ट्राइकर। स्ट्राइकर वन द टॉस एंड सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट ना इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। इस बीच काफी सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैट्समैन के द्वारा। अमर पर्लीकर यहां पे एक और इंफॉर्मेशन देते हुए कि इस बार नेक्स्ट मैच के अंदर सनी है वो लेफ्ट हैंडेड खेलने वाले हैं, ऐसा अनाउंसमेंट कमेंट्री बॉक्स के अंदर करते हुए। इस बीच काफी सुंदर शॉट प्लेयर फील्डर के द्वारा फील्ड करते हुए, लेकिन कुछ अलग ही तरीके की फील्डिंग और दोनों के दो फील्डर के बीच से फोर जाते हुए। काफी नाराज प्रकाश वार के, अगली बॉल लेके
और डेड बॉल करार दिया गया अंपायर के द्वारा, शायद तैयार नहीं थे कुछ लोग। अगेन वेरी गुड फील्डिंग और बहुत अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट थ्रो विकेट के ऊपर, उतना ही अच्छा थ्रो, लेकिन फिर भी एक रन पूरा करते हुए। नाइट राइडर अभी भी एक, अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए सुपर किंग्स टीम्स के। टैप कर दिया है संदीप ने लेग साइड के अंदर और एक रन चुराते हुए अपनी टीम के लिए। सुपर किंग्स काफी कॉन्फिडेंटली अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए और उठा के खेला है। सिक्स मारना चाहते थे आर्यमान, थोड़ा सा चूके और बाहर मार बैठे, पहला विकेट गिरते हुए सुपर किंग्स का। लेकिन टीम के कप्तान विपिन शर्मा जो काफी अस्वस्थ है और बोल रहे हैं कि मारने की जरूरत नहीं, हम भाग के ही रन जीतेंगे, रन भाग के ही जीतेंगे, हमको चौके छक्के अब नहीं मारने। अगली बॉल लेके प्रकाश जी, मंदार ने ऑफसाइड के अंदर प्लेट करके एक रन पाक के पूरा किया और ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ रन संख्या 31 और चेसी मार्क के अंदर सुपर किंग्स आगे जाते हुए। अब सिर्फ 5 रन चाहिए 12 बॉल के अंदर 5 रन, और बॉलिंग के लिए आए हैं वासु जो काफी अच्छी बैटिंग करके यहां पे डिफेंड करने के लिए आए हैं। और ये फ्लाइटेड गेंद थी, काफी अच्छा शॉट ऑफसाइड के अंदर, 4 रन्स मंदार के द्वारा, काफी अच्छा शॉट और स्कोर लेवल हो चुका है। अब जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए 11 गेंदों के अंदर। इस बीच स्विप शॉक खेल के 1 रन पूरा करके सुपर किंग्स ये मैच जीते हुए। पूरा वन साइड मुकाबला, सुपर किंग्स इस मैच को भी काफी आक्रामकता से खेल के जीतते हुए।